मंच पर उपस्थित डॉक्टर संजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी राठौर, कप्तान सिंह जी सोलंकी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी, यहां पर आए और सभी हमारे विशिष्ट और माननीय अतिथिगण, राजपूत कर्णी सेना के सभी कार्यकर्ता और उनके अध्यक्ष, सभी कविगण यहां पर आए, हमारे सभी भाइयों, वीरांगनाओं, वीर नारियों और बहनों, सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आधा मिनट उन सब शहीदों को याद करिए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। सिर्फ 30 सेकंड। बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये निवेदन सिर्फ इसलिए किया था कि जब तक हम अपने शहीदों को और उनकी शहादत को याद नहीं करेंगे, तब तक हमें वो प्रेरणा नहीं मिलेगी कि हम आगे जाकर ऐसा कुछ कर सकें जिससे हमारे समुदाय का और हमारे राष्ट्र का नाम। मैं उन सभी वीरांगनाओं को नमस्कार करता हूं, उनका नमन करता हूं जो यहां पर मौजूद हैं, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम सब यहां पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं किसी पहाड़ की ठंडी चोटी पर, कहीं ना कहीं किसी जंगल में, बारिश के मौसम में, अंधेरे में, कहीं गर्मी के अंदर कोई ना कोई सैनिक देश की रक्षा के लिए खड़ा होगा ताकि हम आराम से सो सकें। हर सैनिक के लिए एक नारा होता है, हमारा देश सर्वोपरि है, देश सबसे ऊपर है, और इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकें वो कम है। जिस प्रकार से कर्णी सेना ने अपना एक मार्ग चिन्ह रखा है, जो उन्होंने अपने उद्देश्य बनाए हैं, उसके अंदर इसकी एक झांकी दिखाई देती है, और मैं ये चाहूंगा कि आप हमेशा इस चीज को सर्वोपरि रख के चलें कि आप जो काम करें उसे देश का हित हो, समुदाय का हित हो। हमारा ये प्रदेश वीरों का प्रदेश रहा है, शूरवीरों का प्रदेश रहा है। जितनी भी हमारे शहीद हुए हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा संख्या इस प्रदेश की रही है, और अगर हमारा ये प्रदेश इतने वीरों के साथ रहा है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो आज हमारा युवा वर्ग है वो हमेशा आगे बढ़ चढ़कर उन वीरों के मार्ग दर्शन पर, उन वीरों के मार्ग चिन्हों पर चलता रहेगा। क्षत्रिय धर्म होता है अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना, लड़ना, और जैसा हमारे सांसद सोलंकी जी ने कहा, देश की हालत देखकर लगता है कि शायद 65 वर्षों के बाद हम दोबारा
इस चीज की खोज करें कि हमारी स्वाधीनता कहां है, हमारी स्वतंत्रता कहां है, वो देश कहां है जिसको स्वतंत्र हुए 65 वर्ष हो गए। और अगर हम अपने अंतरतल में झांक कर देखें और हमको लगे कि जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है, तो हम सबका फर्ज है कि मिलकर इकट्ठा होकर एकजुट होकर ऐसा करें कि हम इस देश को बदल सकें और वो ला सकें जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों का संकल्प था, उनका सपना था और जो हमारा सपना है। इस देश को आगे बढ़ाने का काम हमारे युवा वर्ग का है। मैं इस चीज में पूरा विश्वास रखता हूं कि हमारा युवा वर्ग बहुत काबिल है, बहुत सक्षम है और उनके ऊपर जो है अगर वो उनको मार्गदर्शन देंगे तो वो जरूर ऐसा कुछ करेगा जिससे पूरे समुदाय का, पूरे समाज का, पूरे देश का भला हो और देश उस तरीके का हो जाए जिसकी कल्पना सब लोग करते हैं। आप करनी सेना के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। इस कार्य को करते रहिए अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए और राष्ट्र के लिए योगदान दीजिए ताकि सब लोग ये कहें कि ये एक ऐसी संस्था है जिसने सबके भले के लिए काम किया। मेरा मानना है कि कोई भी समुदाय तब तक ऊपर नहीं बढ़ सकता जब तक कि वो किसी दूसरे समुदाय को नीचे देखता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। समुदाय का, समाज का काम होना चाहिए कि हम अपने आप को इतना अच्छा बना लें, इतना ऊपर ले जाएं कि हमको किसी दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सक्षमता आपने लानी है। आप इसके अंदर, आपके अंदर वो सब गुण हैं जिस तरीके से जो लोग आए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बढ़कर काम किया है उससे गर्व होता है और एक इस चीज का विश्वास होता है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और इन छोटे युवाओं के संगठन के प्रति जो उम्मीद और आशा आपने व्यक्त की है, पूरी तौर से विश्वस्त कर देना चाहता हूं कि हम ये सेना होती है तो आपका उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि उसे सही दिशा की ओर ले जाएं। मैं आमंत्रित कर